आज हम बना रहे हैं चीजी टमाटो। अच्छी रेसिपी है ये, काफी खाने में भी टेस्टी होती है और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हटके है, तो इसको आप प्लीज एक बार ट्राई करिएगा। मैं आपको बहुत इजी मेथड से आपको बता रही हूँ। मैंने 7-8 टमाटर ले लिए हैं, ये शिमला वाले टमाटर है। थोड़ा टमाटर जो है लेंगे आप देख के लीजिएगा, थोड़े से टाइट हो, रेड हो बट टाइट हो, थोड़े लूज टमाटर में बनाने में आपको डिफिकल्ट होगा। ये सबसे पहले हम इसका कैप काट लेंगे, इस तरीके से करते हुए थोड़ा सा पीस निकाल लेंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से करते हुए कट लगा देंगे। बहुत ध्यान से लगाइएगा कि इसकी वॉल्स ना कटे। इस तरीके से करते हुए पाइलर की हेल्प से, इस तरीके से करते हुए, पाइलर नहीं हो तो आपके पास अगर ये वाली स्पून है, जो शार्प वाली स्पून आती है 2-साइडेड, उससे भी आप कर सकते हैं, बड़ा इजीली हो जाएगा। इस तरीके से करते हुए इसका सारा वो अंदर से पल्प निकाल लेंगे। देखिए मैंने सबका पल्प निकाल लिया है, अब मैं इसकी स्टफिंग बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ग्रेटेड पनीर ले लिया है, करीब 200 ग्राम जितना, इसको मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो आलू, जिस चीज़ की आपको पसंद हो आलू भी डाल सकते हैं, पनीर से भी कर सकते हैं, चिली चीज़ से भी कर सकते हैं। मैं पनीर और चीज़ से कर रही हूँ, आप जिसकी आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं बड़े इजीली। पनीर डाल लिया, ग्रेटेड चीज़ डाल लिया मैंने, मोजरेला डाल रही हूँ, आप जो भी चाहें ये ब्लेंड चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिए। थोड़ा सा लहसुन अदरक, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा गार्लिक, हरा धनिया, धनिया डाल लिया। अब इसमें हम बहुत थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक, जितना आपकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से डालिएगा कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, सॉरी, हाथ से क्रश करते हुए कस्तूरी मेथी, इसको अब हम इस तरीके से करते हुए स्टफिंग को मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया और ये हमने इसके जो हमने इसके ऊपर का कैप्स थी वो भी हमने फेंकी नहीं है अभी, और ना ही मैंने ये टमाटो का अंदर का पल्प जो निकाला था इसका भी हम आगे यूज करेंगे, इसको भी हमने फेंकना नहीं है। अब हम इसको इस तरीके से करते हाथ से या चम्मच की हेल्प से, जिससे भी आप चाहें इसको स्टफ कर लीजिए। ये कैप लगा देंगे, कैप लगा के इसको थोड़ा सा टूथपिक्स की हेल्प से, चाहते हैं तो आपके मसाला बाहर ना निकले तो टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे, तो करने में बहुत इजी रहेगा और मसाला भी बाहर नहीं निकलेगा। अरे भर के रेडी हो गया। साइड में पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल रख लिया गर्म होने के लिए, को धीरे धीरे इस तरीके से इसमें डाल देंगे, आराम से डालिएगा, चीज है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी छिटके ना, इस तरीके से हेल्प से धीरे धीरे इसको हम पलट पलट के पका लेंगे। थोड़ा इस तरीके से सारे हम डाल देंगे, इसको 2 मिनट के लिए करीब ढक के रख देंगे, 2 मिनट बाद फिर हम हिलाएंगे इसको। देखिए करीब 2 मिनट हो गए हैं, हिला लेते हैं हम इसको, पलट लेते हैं। चम्मच की हेल्प से इजीली इस तरीके से करते हुए सारों को, सभी को चेंज कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से कर लिया है, अच्छे से हो गए हैं ये। इस पैन को हम साइड पे उठा के रख लेंगे, अगला प्रोसेस करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो इसके छिलके उतरने का डर रहता है, इसको रखते हैं और अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसको ऑयल को गर्म कर लेंगे। आगे की प्रोसेस की तरह चीजी टमाटो बनाने की, थोड़ा सा जी ऑयल गर्म हो गया, जीरा डाल देंगे 1 टेबल स्पून, जीरा क्रैकल हो गया, थोड़े से प्याज, इसको हिला देंगे अच्छे से। ये देखिए ये भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी टमाटो की प्यूरी बना लेंगे जो सब्जी में डल जाएगी। इस तरीके से करते हुए डाल के इसको पीस लेंगे, सिम टू मीडियम गैस पे करेंगे। थोड़ा सा अदरक हरी मिर्च का क्रश किया हुआ, वो थोड़ा सा लहसुन भी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेते हैं इसको। देखिए लहसुन प्याज अदरक सब भून गया,
एक से थोड़ा ज्यादा चम्मच धनिया का, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के चलाते हुए भून लेंगे। भून चुका है, इसके अंदर अब हम टमाटर की जो हमने प्योरी पीस ली थी वो डाल लेंगे, इसको भी भून लेंगे। पेस्ट पे थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करते हुए काजू का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो काजू का पेस्ट, मैं बना के रखती हूँ, आपके पास नहीं हो तो आप ये जब आप टमाटर पीस रहे हैं उस टाइम पे 4 से 6 काजू डाल दीजिएगा अपनी सब्जी की क्वांटिटी के अनुसार, और इस तरीके से करते हुए वो भी टमाटर के साथ साथ ही भुन जाएगा। तो घी छोड़ दिया है, कश्मीरी रेड चिली का पेस्ट बना के मैं इस तरह से रेडी रखती हूँ। ये भी 1 चम्मच जितना आप डाल दीजिए, इसका भी कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी के अंदर और रंगत भी बहुत अच्छी दिखने लग जाती है। ये भुन गया है, ये देखिए चलाते हुए भून लिया, तेल छोड़ चुका है ये मसाला सारा। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा, हमने ये क्या बोलते हैं पनीर और चीज़ वाला बनाया है इसलिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर क्रीम डाल रही हूँ, 1 से 2 चम्मच। इसको भी हिला लेंगे क्योंकि हमने क्रीमी टेक्सचर में बनाया है, इसलिए अगर हम ये आलू भर के या ड्राई फ्रूट वगैरह भर के बनाते तो उसमें आप क्रीमी टेक्सचर नहीं भी लाएंगे और सिंपल तड़के में डाल देंगे तब भी अच्छे लगेंगे। ये हमने पनीर और चीज़ के बनाए हैं तो इसमें थोड़ा सा हम क्रीमी टेक्सचर रखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा स्वीट सॉस टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा टमाटो प्यूरी और 1 टेबल स्पून शुगर, बहुत थोड़ा सा शुगर। ये क्रीमी सब्जी बन गई है तो इसमें थोड़ा सा स्वीट देने के लिए टमाटर की है कि ज़्यादा खट्टा ना आए उसके अंदर, इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच वो डाल दिया। और अगर ये टमाटो प्यूरी नहीं है और टमाटो प्यूरी और शुगर नहीं डालना चाहते तो 1 चम्मच कोई भी कंपनी का टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप डाल दीजिए। उनका दोनों ही चलाते हुए 2 मिनट इसका घी निकल जाएगा, अभी 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं, ये घी छोड़ देगा मसाला। ये देखिए तेल छोड़ने लग गया मसाला, जो हमारी स्टफिंग बची हुई थी वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, उसका भी एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा, वेस्ट भी नहीं जाएगी। वैसे तो भरी जाती है, थोड़ा सा मेरी बच गई थी एक आध टमाटर के में पड़ने लायक, उसको भी मैंने डाल दिया। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर और सब्जी भी बहुत अच्छी बन जाएगी इससे। ये करके अब हम ढक देते हैं फिर से 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए तेल छोड़ दिया है सब्जी ने, अब इसके अंदर हम टमाटर शिफ्ट कर लेते हैं, बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके करेंगे। देखिए चम्मच की हेल्प से एक एक टमाटर को इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। देखिए रेडी हो गई है, अब इसके ऊपर इस तरीके से, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट प्लेटिंग में भी आप इसको डाल के ऊपर से ये मसाला डाल सकते हैं। जैसे भी अब हमारी सब्जी रेडी हो गई है, इसको धनिया से गार्निश कर लेंगे। देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये देखिए इसको धनिया से गार्निश कर लेते हैं, आगे की प्रोसेस सर्व करने के लिए अब हम चलते हैं। इजी टमाटो की सब्जी रेडी है, जितने देखने में अच्छी लग रही है उतने खाने में बड़ी क्रीमी टेक्सचर में है। ये देखिए इस रेसिपी से बना के एक बार जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी बनी, बहुत क्रीमी और बहुत टेस्टी सब्जी बनी हुई है। जब कभी घर में सब्जी नहीं हो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, उससे आप जरूर बना के ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसी बनी। कोई एडवाइस हो तो वो भी मुझे जरूर एडवाइस करिएगा और बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।